स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें एक मैच बॉक्स दिया है। ओके, अब हमें सबको पता है कि शेप ऑफ जो मैच बॉक्स होता है वो क्यूबॉइडल है, और उस मैच बॉक्स का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जो उसके डायमेंशन है वो गिवन है। लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 1.5 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू कन्वर्ट एनीथिंग, कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ये सब में। तो पूछ रहा है कि एक मैच बॉक्स जो है उसके डायमेंशन ये है, टोटल नंबर ऑफ जो बॉक्स है मैच बॉक्स वो अगर 12 है, तो जिस पैकेट में ये 12 मैच बॉक्स आ सकते हैं उस पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा। बराबर, तो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट विच कंटेन्स सच टाइप ऑफ 12 मैच बॉक्स। तो बच्चों ये सब हम करेंगे क्या, क्यूबॉइडल मैच बॉक्स है तो उसके लिए हम वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला अप्लाई करके वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स फाइंड करेंगे, और जब हमें वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स मिल जाएगा तो हम उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो टोटल वॉल्यूम है वो है 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स विल बी नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये 4 × 2.5 × 1.5 ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक आंसर आएगा जो मिलेगा a सेंटीमीटर क्यूब। अब याद रखो, जब भी वॉल्यूम करते हो फाइंड आप, तो जो भी यूनिट है ना उस यूनिट का क्यूब हो जाता है। तो यूनिट यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा इन केस ऑफ वॉल्यूम। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 मैच बॉक्स तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 मैच बॉक्स विल बी नथिंग बट 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, दैट इज 12 इंटू ए। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स? ए। तो 12 इंटू, जब ए को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक आंसर आएगा बी, और ये भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। ठीक है बच्चों, तो फाइनल आंसर जो है वो फाइनल आंसर तुम्हारा बी होगा। लास्ट में आप एक आंसर लिख के एक बॉक्स बना के और वो जो पैकेट है उस पैकेट का वॉल्यूम यहाँ पर लिख सकते हो। बराबर, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर दिया है कि एक क्यूबॉइडल टैंक है जिसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दिया है। तो फॉर अ क्यूबॉइडल टैंक लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज़ गिवन। हमें क्या फाइंड करना है कि उस टैंक का वॉल्यूम कितना है, लेकिन किस में फाइंड करना है? लीटर्स में। और ये सब किस में दिया है? मीटर में दिया है। तो बच्चों क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक, जिस टैंक का वॉल्यूम फाइंड करना है, बराबर वो एक क्यूबॉइडल टैंक है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है 6, ब्रेथ है 5, हाइट है 4.5। ये जब सब मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि सब मीटर में है, तो एक आंसर आएगा ए मीटर क्यूब। अब इस ए का वैल्यू फाइंड करना है, और किस में आएगा? सिंस ऑल दीज आर इन मीटर, तो ये मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है यहाँ पर? गिवन ये है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो ए इंटू 1000 कर देंगे, बराबर ए, ये जो ए आंसर है उसको 1000 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक आंसर आएगा बी, और एक इसमें होगा, ये लीटर्स में होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज बी लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज़ गिवन दैट द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइडल वेसल, देर इज़ अ वेसल इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, और उसका जो लेंथ है वो 10 मीटर है, ब्रेथ 8 मीटर है, और उसकी जो वॉल्यूम है, कैपेसिटी जो है, वो 380 मीटर क्यूब है। अब ये पूछ रहा है कि उसका हाइट कितना होना चाहिए। बराबर बच्चों, तो एक बार और समझ लो, लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 8 मीटर, तो फिर वो पूछता है कि हाउ हाई इट मस्ट बी मेड, यानी कितना हाइट होना चाहिए उसका, ताकि उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाए? 380 मीटर क्यूब। ठीक है, तो क्यूबॉइडल है तो सॉल्यूशन में पहला अगेन वॉल्यूम ऑफ वेसल। ठीक है बच्चों,
तो वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना दिया है, 380, ये गिवन है। बट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट विल बी इक्वल टू 380। लेंथ कितना है 10 है, ब्रेथ कितना है 8 है, इंटू हाइट इक्वल्स टू 380। ओके नाउ हाइट कितना हो जाएगा, तो हाइट के साथ ये 10 और 8 जो दोनों है ये मल्टीप्लाइड है, तो जब इक्वल टू की वो साइड जाएंगे तो ये डिवाइड में चले जाएंगे, तो यहाँ पर 380 आ जाएगा और ये 10 इंटू 8 बराबर। अब ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, देयरफॉर हाइट इक्वल्स टू 38 अपॉन 8, देयरफॉर हाइट इक्वल्स टू 19/4 मीटर। तो ऐसा 19/4 मीटर लिख सकते हैं बराबर। आप इसको डेसिमल में लिख दो तो डेसिमल का आंसर है 8 मीटर। डेसिमल में इसको 19/4 को जब डिवाइड करोगे तो इसको डेसिमल में आंसर लिख दो, तो डेसिमल में आंसर क्या होगा, 8 मीटर। ओके एंड देन यू कैन राइट द फाइनल आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके अंदर हमें एक क्यूबॉइडल पिट ये डिग करना है बराबर है। तो ऐसे हमें एक बॉक्स टाइप डिग करके मिट्टी निकालना है, तो यू हैव टू डिग अ क्यूबॉइडल पिट, और इस क्यूबॉइडल पिट का जो लेंथ है वो 8 मीटर होना चाहिए बराबर, ब्रेथ जो है वो 6 मीटर होना चाहिए और हाइट जो है वो 3 मीटर होना चाहिए ठीक है। जिन्होंने इनको बुलाया था डिगिंग के लिए उन्होंने पूछा कि इसका एक्सपेंस कितना होगा, तो जो कॉन्ट्रैक्टर था कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि अगर मैं डिगिंग करूँगा 1 मीटर क्यूब, अगर मैं 1 मीटर क्यूब डिग करूँगा तो उसका मैं लूँगा ₹30। तो आप बता दो कितना डिगिंग करना है, उसके हिसाब से मैं रेट लगा दूँगा ठीक है बच्चों। तो जो रेट था, रेट जो लगा था वो 30 पर मीटर क्यूब था बराबर, और कितना बड़ा, 8 मीटर ब्रेथ, लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर और हाइट 3 मीटर बराबर। जब टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन होते हैं ना, तो जो पिट बराबर जो पिट बनता है वो क्यूबॉइडल ही रहता है, इट इज़ क्यूबॉइडल इन शेप बराबर। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट द पिट इज़ इन क्यूबॉइडल शेप। तो उस टाइम पर जो कॉन्ट्रैक्टर आएगा वो कुछ रेट देगा, उसका कुछ रेट होगा पिट को डिग करने का। तो कितना दिया है यहाँ पर, 30 पर मीटर क्यूब दिया है ठीक है। तो हमें ये पता करना है बराबर, आप कस्टमर हो तो आपको ये पता करना है कि भाई कॉस्ट कितना लगेगा, अगर वो पिट को डिग करना है तो कॉस्ट कितना लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितना बड़ा खड्डा खोदना है ना उसका पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे, और उस वॉल्यूम को जब रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इससे पहले हम क्या कहते थे, जो हमारा कॉस्ट होता है ना वो रेट इंटू एरिया होता है बराबर, इससे पहले आप लोगों ने ये सम किया। अब जो वॉल्यूम के अंदर जो कॉस्ट होगा ना वो रेट इंटू वॉल्यूम हो जाएगा ठीक है, जो भी खर्चा आएगा ना वो रेट इंटू वॉल्यूम हो जाएगा ठीक है। तो ये भी फार्मूला आप बार बार अप्लाई करोगे, कॉस्ट इक्वल्स टू रेट इंटू वॉल्यूम। तो सिंपल सी बात है बच्चों, हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम वॉल्यूम ऑफ पिट निकाल लेते हैं कि इस पिट का वॉल्यूम क्या होगा, शेप है क्यूबॉइडल तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा ठीक है। लेंथ है 8, ब्रेथ है 6 और हाइट है 3, ये सब मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक आंसर आएगा 8 मीटर क्यूब। अब सेकेंड स्टेप में जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, ये डिग करने का जो कॉस्ट होगा वो हो जाएगा रेट इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पिट। तो रेट कितना है, ₹30 हो तो गिवन है यहाँ पर, और वॉल्यूम कितना है, ए है, ये दोनों मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो ₹20 आ जाएगा आंसर। तो आंसर जो है वो फाइनल लिख के यहाँ पर बॉक्स में डाल देना कि कितना खर्चा आएगा उस पिट को डिग करने का। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें क्या दिया है कि एक क्यूबॉइडल टैंक है और ये टैंक का जो वॉल्यूम है वो 50,000 लीटर है ठीक है। तो उसकी जो कैपेसिटी है वो टैंक की वो 50,000 लीटर है, उस टैंक का लेंथ 2.5 है, उस टैंक का हाइट 10 मीटर है। ओके हाइट 10 मीटर है, लेंथ 2.5 मीटर है, हमें ये पता करना है कि उसका ब्रेथ कितना होगा, उसका जो विथ है टैंक का वो कितना होगा ठीक है। तो ये सब में सोल्यूशन में जो सबसे पहले ये जो 50 लीटर्स है ना, 50,000 लीटर बराबर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, मीटर क्यूब में। क्यों मीटर क्यूब में, क्योंकि यहाँ पर लेंथ ब्रेथ जो है वो मीटर में दिया है, आया समझ में। तो
हमें क्या बताया कि 1 meter cube इज इक्वल टू 1000 liter बराबर। वी नो दिस, इसको हमने देखा प्रीवियस सम में, ये तो हमें पता है। तो बच्चों हमें क्या करना है, अब लीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। जब मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, जब मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करते हो 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, तो जब लीटर को मीटर क्यूब में हम करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1000 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ये भी बात रखो, 1 liter इज़ नथिंग बट 1/1000 meter cube, ये कन्वर्जन भी याद रख लो कि 1 liter इज़ नथिंग बट 1/1000 meter cube। तो ये जो लीटर है इसको 50,000 liter/1000, तो ये मीटर क्यूब में हो जाएगा। तो ये जो लीटर में दिया है ना उसको 1000 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर क्यूब में हो जाएगा। इसका 30, इसका 30 ख़त्म हो गया, ये कितना हो गया 50 meter cube। तो जो वॉल्यूम है, अब कैपेसिटी है नया वाला, वो कितना है, ये 50 meter cube है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा ये कन्वर्जन का, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक क्यूबॉइडल शेप है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ टैंक गिवन कितना है, ये 50 है। लेंथ कितना है, लेंथ 2.5 है। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ 10 है। और हाइट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये 50 इज इक्वल टू, ये 2.5 इंटू 10 कर देंगे तो कितना होगा, ये 25 हो जाएगा इंटू एच। अब ये एच 25 नीचे आ गया, तो 50/25 इज इक्वल टू एच। और 50/25 कितना होगा बच्चों, ये आपको फाइंड करके लिखना है। यहाँ पर 50/25 कितना होगा ये लिखना है, ये मीटर में आ जाएगा आंसर। और बाद में फाइनल आंसर लिखना मत भूलना। सो आप इस सम को कंप्लीट करो। ओके, अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें क्या दिया है, एक विलेज है और उस विलेज के पास एक टैंक है, बड़ा टैंक है, जिसका लेंथ 20 meter है, ब्रेथ 15 meter है और हाइट 6 meter है, ठीक है। फिर यहाँ पर यह दिया है कि रिक्वायरमेंट पर हेड पर डे बराबर, एक इंसान एक दिन में कितना पानी यूज़ करता है, ये अप्रॉक्सीमेट है, वो है 150 liters बराबर। तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिया है कि एक इंसान एक दिन में 150 लीटर पानी यूज़ करता है। उस विलेज का जो पॉपुलेशन है वो 4000 है। ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर गिवन, ठीक है। तो वहाँ का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है बराबर, उसका जो पानी लाने वाला पाइप है, टैंक में जो पाइप पानी लेके आता है, ये पाइप फूट गया है और इसकी जो मरम्मत करनी है उसमें कुछ डेज लगेंगे। तो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये कहता है विलेज को कि ये टैंक फुल है बराबर, ये टैंक फुल है और आप लोगों को ये टैंक में से ही पानी अब कुछ दिनों के लिए यूज़ करना है। तो वो विलेजर्स ये टैंक का पानी कितने दिन तक यूज़ कर पाएंगे वो हमें फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ डेज द वाटर इन द टैंक विल लास्ट, समझ में आया बच्चों केस क्या है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास भी एक टैंक है घर पे और वो टैंक में 20 liter पानी है, ठीक है, और हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो रोज़ का वो 3 liter है या 4 liter है। तो ये ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर 20 liter हमारे पास है और हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो 4 liter है और घर में एक ही इंसान रहता है, तो ये पानी कितने दिन चलेगा, क्या करोगे आप? आप जितना अवेलेबल वाटर है, वाटर अवेलेबल इन टैंक अपॉन रिक्वायरमेंट, ये दोनों को डिवाइड कर दोगे। तो अवेलेबल कितना पानी है, 20 liter, रिक्वायरमेंट कितना है पर डे का 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 1s and 4 5s, तो ये आप क्या बोलोगे 5 days चलेगा, करेक्ट है ना। तो हम भी ये सब में वही करेंगे, हम क्या करेंगे कि पूरे पॉपुलेशन का रिक्वायरमेंट क्या है एक दिन में वो फाइंड कर लेंगे। पूरे पॉपुलेशन का रिक्वायरमेंट एक दिन में कितना पानी है वो फाइंड कर लेंगे, पहला चीज़ ये। दूसरा हम क्या करेंगे, हम जो हमारा टैंक है उस टैंक की कैपेसिटी क्या है, मतलब वाटर अवेलेबल इन द टैंक, उस टैंक में कितना पानी अवेलेबल है बराबर। तो वो तो टैंक तो फुल है, तो फुल अवेलेबल यानी कि जितना टैंक का वॉल्यूम है उतना ही पानी अवेलेबल होगा। तो टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि उसमें पानी कितना है, ठीक है। और दूसरा क्या ढूंढेंगे हम लोग कि पूरे विलेज का एक दिन में रिक्वायरमेंट कितना है। तो ये वाटर अवेलेबल इन टैंक एंड रिक्वायरमेंट इन वन डे, ये दोनों जब डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितने डेज
वो टैंक में पानी काम करने वाला है, ठीक है। तो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं शाम को बच्चों। तो सबसे पहले मैं ये फाइंड करता हूँ, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर बाय विलेजर्स इन वन डे। एक दिन में विलेजर्स को कितना पानी चाहिए, पहले हम ये फाइंड करते हैं, ठीक है। एक दिन में विलेजेस को कितना पानी चाहिए वो फाइंड करते हैं। तो वो क्या होगा, रिक्वायरमेंट पर हेड पर डे। तो आप ये जब दोनों मल्टीप्लाई करोगे, रिक्वायरमेंट पर हेड पर डे यानी कितना है वो 150 लीटर है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे किससे, पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन कितना है, तो ये पॉपुलेशन सपोज 4000 है। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आ जाएगा 150 इंटू 4000 लीटर्स बराबर, क्योंकि 150 लीटर्स में। तो ये है रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर बाय विलेजेस इन वन डे। तो इतना पानी विलेजेस को एक दिन में लगता है, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है बच्चों, यहाँ पर रिक्वायरमेंट लीटर्स में दिया है और टैंक का कैपेसिटी मीटर में दिया है। तो यहाँ पर कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे समय कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी बराबर। फिर से समझो, लीटर्स में दिया है क्या रिक्वायरमेंट, और टैंक की कैपेसिटी जो है वो किस में दिया है, मीटर में दिया है। तो यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, लीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। या तो इसको ऐसे लीटर्स में रहने देते हैं, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, लीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो दूसरा वाला स्टेप में, जिसमें मैं फाइंड करूँगा वाटर अवेलेबल इन टैंक, तो टैंक में वाटर क्या अवेलेबल होगा, जितनी उसकी वॉल्यूम है, क्योंकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या बोला कि भाई वो फुल है, टैंक पूरा फुल है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये 20 इंटू 15 इंटू 6 बराबर, ये जब सब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आएगा आपका ए मीटर क्यूब। क्या आंसर आएगा, अच्छा इसको मैं ढूंढ ही देता हूँ बच्चों। ये 20 इंटू 15 इंटू 6 ये मीटर क्यूब में है, क्योंकि सब के सब मीटर में थे, तो आंसर किस में आएगा, मीटर क्यूब में। ओके, लेकिन ये लीटर्स में है, ये मीटर क्यूब में, दोनों अलग अलग यूनिट में सेम करना पड़ेगा। तो ये 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000 लीटर्स, तो मीटर क्यूब को बराबर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इतना लीटर पानी जो है वो टैंक में है, इतना लीटर पानी है टैंक में, और ये 150 इंटू 4000 जो है ये रिक्वायरमेंट है, ये रोज़ का रिक्वायरमेंट है। तो थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ डेज वाटर विल लास्ट, कितने दिन के लिए पानी चलेगा, विल बी नथिंग बट रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर बाय द विलेजेस इन वन डे। वो कितना है रिक्वायरमेंट, नहीं वाटर अवेलेबल इन द टैंक, टैंक में कितना पानी अवेलेबल है, तो वह है 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000 लीटर्स, और एक दिन का रिक्वायरमेंट कितना है, 150 इंटू 4000 बराबर। ये एग्जांपल समझे थे ना आप लोग, हमने घर का अवेलेबिलिटी फाइंड किया था, तो 20 लीटर्स अवेलेबल था और 4 लीटर रिक्वायरमेंट था, तो ये 20/4 किया तो कितना आया था, 5 आया था। तो वैसे ही अवेलेबल कितना है, तो अवेलेबल पूरा इतना है, टैंक में पूरा पानी इतना अवेलेबल है, और रिक्वायरमेंट कितना है, तो रिक्वायरमेंट इतना है। तो अवेलेबल को रिक्वायरमेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कितना नंबर ऑफ डेज चलने वाला है ये। तो यहाँ से ये 30, यहाँ से ये 30 कैंसिल हो जाएंगे, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 15 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये 2 1s, ये 2 जो है 2s आ जाएगा, ये 2 1s और ये 2 3s। तो हाउ मेनी डेज इट विल लास्ट, इट विल लास्ट फॉर 3 डेज बराबर। तो 3 दिन उस टैंक का पानी उस विलेजेस को काम आने वाला है, 3 दिन बाद वो पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी जो रिपेयरिंग करना है उनको, वो रिपेयरिंग वर्क 3 दिन से पहले ख़त्म करना पड़ेगा ताकि विलेजेस का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोडाउन है, उस गोडाउन का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया है, और दूसरा वुडन क्रेट्स है जिसको हम लोग गोडाउन में रख सकते हैं, तो उसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया है। अब ये हमें पूछ रहे हैं कि कितने वुडन क्रेट्स इस गोडाउन में आ सकते हैं, नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स बराबर डैट कैन एकोमोडेट और डैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों,
ये जो गोडाउन है यानी जिसके अंदर हम वुडन क्रेट रख रहे हैं उसके वॉल्यूम को हम वुडन क्रेट के वॉल्यूम से जब डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने वुडन क्रेट्स स्टोर्ड हो सकते हैं गोडाउन के अंदर। ओके, तो स्टोरेज नंबर ऑफ क्रेट्स डैट कैन बी स्टोर्ड इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स। अच्छा, गोडाउन भी क्यूबॉइडल है, क्रेट्स भी क्यूबॉइडल है, तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसका लेंथ सपोज बड़ा एल ले लिया, इसका ब्रेथ हमने बड़ा बी ले लिया, इसका हाइट हमने बड़ा एच ले लिया, और इसके लिए स्मॉल एल स्मॉल बी एंड स्मॉल हाइट। सो नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो दिस विल बी 60 इंटू 25 इंटू 10, और इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 1.5 इंटू 1.25 इंटू ये 0.5। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, बराबर सुनो, यहाँ पर ये एक पॉइंट है ना, तो ये सारे पॉइंट्स को मैं हटा देता हूँ। तो सारे पॉइंट्स को जब मैं हटाऊंगा तो एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ से दो पॉइंट, कितने टोटल तीन, और यहाँ से एक पॉइंट, तो टोटल मुझे चार पॉइंट शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये 60 × 25 × 10 लिख देता हूँ, और इसको 15 × 125 × 5 लिख देता हूँ, और कितने पॉइंट मैंने शिफ्ट किए, चार। तो ऊपर मुझे 1, 2, 3, 4 0 देने पड़ेंगे, या चार पॉइंट शिफ्ट किया तो ऊपर मुझे 4 0 देने पड़ेंगे, समझ में आया? और ज़ीरो खाली ज़ीरो थोड़ी, उसके साथ 1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, तो अब ये सब में ये 125 वन ज़ा, ये 125 फाइव ज़ा, ये 15 वन ज़ा, ये 15 इसमें फोर ज़ा। ठीक है बच्चों, ये 5 वन ज़ा, ये 5 गोज़ टू टाइम। ठीक है, ये 5 गोज़ वन टाइम एंड 5 गोज़ ये ऑल्सो टू टाइम। तो यहाँ पर 2000 बचा है, यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर 4 बचा है। ठीक है, तो ये 2000 × 8, तो टोटल जो है कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 16000 आ जाएगा। देखो ना, 4 × 2 8, 8 2 16 एंड 16 × 3 0 यानी कितना, 16000। तो 16000 क्रेट्स जो है वो आराम से उस गोडाउन में स्टोर हो सकते हैं। सो ये हमने फाइंड कर लिया कि कितने क्रेट्स गोडाउन के अंदर स्टोर हो सकते हैं। बराबर बच्चों, अगर आप इसको अलग फाइंड करते हैं, इसका वॉल्यूम अलग फाइंड करते हैं, तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता, बड़ा नंबर आता, बाद में डिवाइड करने में तकलीफ आता। तो ये जो सम है आप इसी मेथड से करो, बराबर, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, वैल्यू पुट पुट कर दो, उसके बाद सिर्फ हमें क्या करना है, चीज़ों को काटना है और आंसर लेके आना है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसके अंदर एक हमें क्यूब दिया है जिसका साइड 12 सेंटीमीटर है। सो देर इज़ अ क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, और ये क्यूब के पीस को हमने कट किया है, ठीक है, इक्वल क्यूब्स में कट किया है। तो दिस बिगर क्यूब, ये बिगर क्यूब को हमने छोटे छोटे इक्वल क्यूब्स में कट किया है जिसके साइड एक्स होंगे, जिसके साइड कितने होंगे, एक्स होंगे। और ऐसे छोटे क्यूब्स के इस बड़े क्यूब से ऐसे छोटे क्यूब्स जो इक्वल साइज़ के कितने बने हैं, 8 बने हैं। तो 8 पीसेस, मान लो ये पनीर का पीस है, तो इसको हमने कट किया, तो ये कट करने के बाद ऐसे छोटे छोटे कितने पीस बने, ऐसे 8 पीस बन गए। ठीक है, तो ऐसे 8 पीस बन गए। अब हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि ये जो छोटे वाले क्यूब्स हैं ना, उसके साइड कितने होंगे। अगर वो इक्वल हैं, ये 8 पीस इसमें से 8 इक्वल पीस बने हैं, तो ये छोटे वाले क्यूब्स के साइज़ क्या है वो हमें फाइंड करना है, इनके साइड्स के वैल्यू फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्यूब है, इस बार क्यूबॉइड नहीं है, ये लोग क्यूब है। तो ये क्वेश्चन को बराबर समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये 8 पीस बनेंगे ऐसे, ये 8ों पीस को मैं मिला दूँ तो वापस क्या बन जाएगा, वापस से ये वाला क्यूब बन जाएगा। बराबर, अगर मैंने ये 8ों पीस को वापस से मिला दूँ तो वापस से क्या बन जाएगा, ये बड़ा वाला क्यूब बन जाएगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना बच्चों, ये ट्रांसफॉर्मेशन में एक ही चीज़ कांस्टेंट रहता है, ना तो सरफेस एरिया कांस्टेंट रहेगा और ना तो टोटल सरफेस एरिया कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया भी नहीं, टोटल सरफेस एरिया, ये सब एरिया कांस्टेंट नहीं रहेंगे, कांस्टेंट एक ही चीज़ होगा, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम विल रिमेन सेम, ये कन्वर्जन में वॉल्यूम सेम होगा। तो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉलर न्यू क्यूब विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब। ठीक है बच्चों, बस ये 8 छोटे छोटे का जितना वॉल्यूम होगा क्यूब्स का, उतना ही वॉल्यूम होगा बड़े क्यूब का। तो ये पॉइंट अगर समझ गया है तो आप सम कर लोगे।
तो ये जो 8 क्यूब्स है, स्मॉलर क्यूब, उसको कैसे लिख सकते हैं, उसका वॉल्यूम कैसे करेंगे हम लोग, 8 इंटू, व्हाट इज़ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, जो उसका साइड है ना उसका क्यूब, तो साइड कितना है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, तो 8 इंटू एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड क्यूब, साइड कितना है 12 है, तो ये 12 का क्यूब हो जाएगा, साइड क्यूब होता है ना, देयरफॉर अभी क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू, ये 12 क्यूब को मैं 12 इंटू 12 इंटू 12 लिख सकता हूँ, ठीक है, और ये जो 8 है एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई वो चल जाएगा नीचे, तो ये नीचे आ जाएगा 8, अब देखो 2 गोज़ 2 टाइम, 2 गोज़ 6 टाइम, 2 गोज़ 4 टाइम, सॉरी 2 गोज़ 4 टाइम, 2 गोज़ 6 टाइम, 2 गोज़ 2 टाइम, 2 गोज़ 6 टाइम, 2 गोज़ 1 टाइम, 2 गोज़ 6 टाइम, ठीक है, तो ये क्या आया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6, देयरफॉर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो 6 क्यूब, अब ये क्यूब क्यूब कैंसिल, तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 6 सेंटीमीटर बराबर, तो ये जो छोटा वाला क्यूब है उसका जो साइड है, ये छोटे वाले जो क्यूब्स होंगे उनके जो साइड्स होंगे वो कितना होंगे 6 सेंटीमीटर, यही चीज़ हमें फाइंड करना था बराबर, तो 6 सेंटीमीटर क्या होगा उनका साइज होगा, ठीक है, ओके ऑल राइट बच्चों, सेकेंड जो चीज़ में हमें फाइंड करना है ना, दो चीज़ें फाइंड करनी है, तो ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है, नाउ सेकेंड चीज़ जो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इनका रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, ये गिवन क्यूब ये बड़ा वाला क्यूब और ये न्यू क्यूब यानी ये छोटा क्यूब बराबर बच्चों, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो नए क्यूब्स हैं ना बच्चों ये 8 हैं, कितने हैं, एक नहीं है, कितने क्यूब्स हैं, 8, तो एरिया ऑफ 8 न्यू क्यूब्स, एक नहीं 8 न्यू क्यूब्स इसमें आ जाएगा, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो इसका साइड क्या है 12 इंटू 12, और सरफेस एरिया ऑफ ये क्यूब क्या होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी एक्स एक्स कितना है 6 है, तो 6 इंटू 6, लेकिन कितने क्यूब्स है बच्चों 8 है, तो ये 8 भी आ जाएगा, तो अब ये 6 है ये 6 जाएगा, ये 6 1 जाए ये 6 2 जा हो जाएगा, 6 1 जाए ये 6 2 हो जाएगा, 2 2 इंटू 4 एंड 4 बराबर, ये 4 जो है कितनी बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो ये जो रेशियो होगा बचेगा, ये रेशियो आप यहाँ लिख सकते हो, तो ये 1/2 बच रहा है बराबर, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले रीड कर लेता हूँ, अ रिवर 3 मीटर वाइड बराबर, एक रिवर है जो 3 मीटर डीप है, 40 मीटर वाइड है, एंड इट इज़ फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, देखो बच्चों स्पीड जो दिया है ना, स्पीड वो दे दिया है 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये रिवर फ्लो हो रहा है, तो हाउ मच वाटर विल फॉल इन टू द सी इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना पानी सी के अंदर गिर रहा है वो हमें फाइंड करना है, तो बच्चों सबसे पहले ये सब में देखो क्या होता है, इसमें लेंथ जो पार्ट है ना वो मिसिंग है, ठीक है, लेंथ का पार्ट यहाँ पर मैंने 2 किलोमीटर लिखा है, क्यों लिखा है वो मैं समझाता हूँ आपको, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, और टाइम को मैंने अगर 1 आवर ले लिया तो ये आवर, तो ये आवर आवर कैंसिल हो जाएगा और कितना हो जाएगा ये 2 किलोमीटर, तो डिस्टेंस जो है यहाँ से ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक वो कितना हो गया 2 किलोमीटर, और इसी को मैं मेरा लेंथ मान लेता हूँ, यानी कि 1 आवर में अगर ये पॉइंट मेरा ए है ये मेरा पॉइंट बी है, तो 1 आवर में जो ये स्पीड जितना लेंथ कवर कर रहा है जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना होगा 2 किलोमीटर, बड़ा क्लियर सी बात है ना, अगर एक गाड़ी की स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर है तो 1 आवर में कितना किलोमीटर जाएगा, वो 40 किलोमीटर जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है, ये जो हम लोग लॉजिक भी जानते हैं, तो अगर उसका स्पीड रिवर का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि ये पॉइंट ए ले लेता हूँ ये पॉइंट बी ले लेता हूँ बराबर, तो ये पॉइंट से रिवर का पानी सपोज स्टार्ट हुआ, ये टाइम 0 था, और यहाँ आते बी आते आते टाइम कितना हो गया 1 आवर हो गया, ठीक है, तो इतना पानी यहाँ से लेके यहाँ तक का पानी 1 आवर में सी के अंदर गिर रहा है बराबर, ये मान लिया जाए ये एज है, इसके बाद सीधा सी है, तो यहाँ से यहाँ तक पानी कितने घंटे में आ रहा है, 1 घंटे में आ रहा है,
तो इतना पानी क्या हो रहा है, एक घंटे में इतना, जितना ये दिख रहा है आपको क्यूबॉइडल शेप का रिवर दिख रहा है ना, इतना पानी एक घंटे में उस रिवर उस सी के अंदर गिर रहा है। ठीक है, सो ये पूरा जितना जितना वॉल्यूम होगा इतना पानी एक घंटे में गिर रहा है। हमें क्या फाइंड करना है कि एक मिनट में कितना पानी गिरता होगा, बराबर। वी नीड टू फाइंड कि एक मिनट में कितना पानी सी के अंदर जा रहा है। ये पूरा जो है वो ये कितना कितने टाइम में जाएगा, एक घंटे में। हमें कितना फाइंड करना है, एक मिनट में। तो यहाँ पर सेकेंड वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलिंग इनटू सी इन 1 आवर, एक घंटे में कितना पानी गिरा होगा, तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ हो जाएगा 2 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पर किलोमीटर में, तो 2 किलोमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2000 मीटर, क्योंकि ये बाकी सब मीटर्स में ना तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेंथ हो जाएगा 2000, ब्रेथ हो जाएगा 40 एंड हाइट हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, तो दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर, ये सब मीटर क्यूब में, तो इतना पानी एक घंटे में सी के अंदर जा रहा है। तो नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलिंग इनटू सी इन 1 मिनट। ठीक है बच्चों, तो डैट विल बी, एक घंटे में इतना है तो 1 मिनट में कितना होगा। अच्छा, अब एक घंटा कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, समझ में आ रहा है। तो एक घंटा है 60 मिनट, तो आप इसी वॉल्यूम को, ये 2000 इंटू 40 इंटू 3 को आप 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये 0 एंड 0 कैंसिल, 3 1 जा, ये 3 2 जा, 2 1 जा, ये 2 2 जा, और 2 2 जा कितना हो गया, 4, ये 4000 मीटर क्यूब, यानी इतना पानी एक मिनट में सी के अंदर जा रहा है, बराबर। एक घंटे में फाइंड कर लिया, तो 1 मिनट के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। 1 सेकेंड के लिए क्या कर देंगे, 60 इंटू 60 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 1 सेकेंड में पूछता तो 60 इंटू 60 से डिवाइड कर देते, 1 मिनट में पूछा तो 60 से डिवाइड कर दिया, 1 आवर का तो मिल गया था हमें। ठीक है बच्चों, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 9।